जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नितेश। तो आज की वीडियो में बात करेंगे गेमिंग स्मार्टफोन की, मतलब रोग फोन 5 सीरीज आ रही है, जल्दी 10 मार्च को लॉन्च होगी, तो उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। सब कुछ पता चल चुका है, सब कुछ बाहर आ चुका है, सारी स्पेसिफिकेशन लीक हो चुकी हैं, सब कुछ पता चल गया है, क्या आने वाला है क्या नहीं आएगा उन स्मार्टफोन के अंदर, तो उस बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। आपको पहले ही लॉन्च से पहले स्पेसिफिकेशन प्राइस रेंज बता दूंगा मैं आपको। तो बात करते हैं इन स्मार्टफोन के बारे में। तो भाई अब की बात इम्प्रूवमेंट में तो Asus ने कमाल ही कर दिया, मतलब स्मार्टफोन में इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा कर दी है, मतलब कहने की बात है। Asus ने अब की बार बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है, और अब की बार आपको एक फोन नहीं 3 मॉडल्स देखने को मिलेंगे, Asus Rog 5, Asus Rog 5 Pro एंड Asus Rog 5 लिमिटेड करके एक एडिशन होगा, जो लिमिटेड एडिशन होगा वो। हाँ जी, मतलब 3 फोन देखने को मिलेंगे और उनकी प्राइस रेंज भी अलग अलग होगी। लेकिन Asus ने कुछ ऐसी चीज़ें जो इन स्मार्टफोन में कॉमन रखी है, जो कि बहुत अच्छी बात है हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा महंगा फ़ोन खरीद नहीं पा रहे, तो हम सस्ते फ़ोन से, मतलब जो उनका वो सस्ता होगा उन सीरीज में, उससे भी अपना तान बजा सकते हैं। और जो गेमर्स हैं उनके लिए तो अल्टीमेट काम कर दिया है। लेकिन मुझे 2-3 चीज़ें पसंद नहीं आई है Asus की, जो उन्होंने गलत की है। जी, सबसे पहले उन्होंने जो आपका RGB लोगो था वो नीचे की तरफ कर दिया है, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि RGB लोगो आप देखोगे कैसे हो तो आपके हाथ के नीचे ढक जाएगा, मतलब आपको पहले सेंटर में मिलता था वो तब भी ढकता था, लेकिन थोड़ा ऊपर कर देते तो और अच्छा था। लेकिन उन्होंने मतलब काम बैठ कर दिया है, नीचे की तरफ कर दिया, तो आप उसको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आप फोन को पकड़ेंगे या लोगो दिखाएंगे आपको RGB वाला लोगो है। और अब की बार आपको इसमें व्हाइट कलर भी देखने को मिलेगा, जो लुकिंग बहुत अच्छा लगने वाला है। और पीछे कुछ लैपटॉप लॉन्च हुए थे Asus के, जिनमें डिज़ाइन था उसी प्रकार का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा इन स्मार्टफोन के अंदर। और इनमें जो कॉमन चीज़ रहेगी वो रहेगी डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले में थोड़ा बहुत चेंज होगा, और जो आपका प्रोसेसर है, जो इनका मेन हाईलाइटिंग है, वो आपको स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिलेगा, 5G रेडी प्रोसेसर होगा, ये तीनों स्मार्टफोन 5G होंगे। और अब की बार कैमरा ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी कर दी जाएगी, मतलब पहले गेमर्स के लिए होते थे, लेकिन अब कैमरा के लिए भी आपको चाहिए बहुत अच्छा फ़ोन, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कैमरे में भी बहुत बड़ी बड़ी इंप्रूवमेंट कर दी, और बैटरी में तो इंप्रूवमेंट ज़रूर से ज़रूर होगी। अब की बार आपको 7-8 हज़ार mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, मतलब आप गेम खेलते रहिए आपको बैटरी ख़त्म होने की चिंता ही नहीं है। तो ये कुछ लीक्स एंड रूमर्स का कन्फर्म चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऐसी वीडियो हम डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।